नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएम एकेडमी। नाउ देखो, 12 साल के एक बच्चे ने यहाँ पे अपील किया हुआ है प्रेसिडेंट से कि उसकी माँ को जो है यहाँ पे फांसी की सजा जो है रोक दी जाए। तो उसकी माँ को जो है यहाँ पे फांसी की सजा दी गई है और वो ये चाहता है कि उनको जो है फॉरगिव यहाँ पे कर दिया जाए। उसके अलावा मैं बात करूँ तो शबनम का जो केस है, अमरोहा का ये केस है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे जो है पहली महिला होंगी शबनम जिनको जो है यहाँ पे फांसी दी जाएगी आज़ादी के बाद। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा केस क्या है और आर्टिकल 72 क्या है, उसके बारे में जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा। यहाँ पे 18 फरवरी को एक 12 साल के बच्चे ने जो है यहाँ पे जो शबनम का बेटा है, ताज उसका नाम है, और उन्होंने जो है यहाँ पे अमरोहा का जो केस हुआ है, ठीक है, उसको जो है अपील किया हुआ है अपनी माँ के लिए कि उसकी माँ को जो है यहाँ पे फॉरगिव कर दिया जाए और उनको जो है फांसी की सजा से जो है यहाँ पे माफ़ कर दी जाए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो ये केस क्या है, आज के समय आपको बहुत सारे आर्टिकल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, पूरी मीडिया ने जो है इसको कवर किया हुआ है, हर एक पेपर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो हु इज शबनम अली, फर्स्ट वुमेन टू बी हैंग टिल डेथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आज़ादी के बाद जो है पहली महिला होंगी जिनको जो है यहाँ पे फांसी होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप, और आप जो है इसको iOS में भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है आपको देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में जो है यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ पे ये केस था 2008 का। अब 2008 में ऐसा हुआ क्या था, तो देखो सिंपली हुआ ये था कि जो शबनम थी ये बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, ये काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली थी, ठीक है। इसके पिताजी जो है, इनके पिताजी टीचर थे और ये भी जो है एमए थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस लड़के की, तो ये जो है 8th पास ये लड़का था, ठीक है। सिंपली यहाँ पे इसके फैमिली मेम्बर्स ये चाहते थे कि ये इस लड़की से ना, मतलब ये लड़की जो है इस लड़के से यहाँ पे ना मिले। लेकिन यहाँ पे सिंपली इन्होंने प्लान बनाया कि एक काम करो, तुम अपने पूरे परिवार को जो है नींद की गोली दे दो। तो नींद की गोली दे के सुला दिया और फिर जो है ये लड़की इससे मिलने गई। यहाँ पे हुआ आगे ये कि इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि इस लड़के ने बोला कि यहाँ पे जो है तुम अपनी पूरी फैमिली को मार दो, और जब तुम मारोगी तो चिल्लाना जरूर से कि कोई आया था और मार के यहाँ पे चला गया। यहाँ पे सिंपली देखो तो इस लड़की ने जो है यहाँ पे पूरे अपनी फैमिली को जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया। आखिर में हुआ ये कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चल गया कि किसने मारा है, तो इसी ने ही जो है यहाँ पे मारा था। इसने फिर बाद में खुद कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही जो है यहाँ पे मारा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लड़की उस दौरान जो है यहाँ पे प्रेग्नेंट भी थी, और फिर जो है इनका जो बेटा है ताज, ठीक है, तो वही उसी ने जो है यहाँ पे मर्सी अटेम्प्ट जो है यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो जब ये जेल में थी तो उस समय प्रेग्नेंट थी, तो यहाँ पे जो है एक इनको जो है रियायत दी गई थी प्रेसिडेंट की तरफ से, ये दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे शबनम ने अपने सलीम के साथ मिलकर, जो इनका लवर था बेसिकली, उसने जो है यहाँ पे करीब 7 मेंबर्स की जो है हत्या करी हुई है अपनी पूरी फैमिली की, ठीक है। तो पूरे फैमिली मेंबर्स में 7 लोगों की यहाँ पे हत्या हुई है। ये केस है 2008 का। अब यहाँ पे इनके फादर थे शौकत अली, मदर थी इनकी हाशमी, और एल्डर ब्रदर अनीस, और अनीस वाइफ अंजुम, और 22 साल का एक ब्रदर रशीद, और कज़न जो है राबिया, और इनकी जो 10 मंथ की जो ओल्ड ये सन बेटा था इनका अनीस का, इसको भी जो है यहाँ पे मार दिया गया। तो यहाँ पे करीब 7 लोगों की जो है हत्या यहाँ पे की गई है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी समय से 2008 से ही ये केस चल रहा है, और इनको जो है यहाँ पे कन्विक्ट कर दिया जा रहा है कि इनको जो है अपने जो लवर है सलीम के साथ, ठीक है, इनको जो है कन्विक्ट किया गया है कि 7 फैमिली मेंबर को मारने के जुर्म में इनको जो है यहाँ पे सजा सुनाई गई है। यहाँ पे अगर बात करूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरीके के जो है कोर्ट यहाँ पे सभी ने जो है एक ही फैसला सुनाया कि इनको जो है, जो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने सबसे पहले सजा सुनाई थी किसकी, डेथ की। दोनों पे ही जो है यहाँ पे डेथ की सजा जो है यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे जो है फिर अपील की गई हायर कोर्ट में, तो यहाँ पे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये सेंटेंस दिया कि इनको जो है यहाँ पे फांसी की सजा जो है दी जाती है। लेकिन फिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, मतलब उन्होंने जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो है डेथ सेंटेंस जो है यहाँ पे दे के ही रहेंगे, इनको जो है फांसी की सजा जो है यहाँ पे होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसके बाद एक मर्सी पिटीशन जो है भेज दिया गया प्रेसिडेंट के पास कि इनको जो है फांसी की सजा से जो है माफ़ी दे दी जाए, लेकिन यहाँ पे जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शबनम और सलीम जो है इनके डेथ वारंट जो है ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि किसी भी समय जो है यहाँ पे आ सकते हैं, और इनको जो है रामपुर जो जेल है वहाँ पे जो है लॉक करके रखा गया है, और इनको जो है मथुरा की जो जेल है वहाँ पे जो है यहाँ पे फांसी होगी। ये जो है भारत की पहली ऐसी फीमेल प्रिजनर होंगी जिनको जो है यहाँ पे फांसी की सजा जो है यहाँ पे होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब प्रेसिडेंट जो है पार्डन कैसे देते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। तो सिंपली आप ये समझ लो कि जब भी किसी को फांसी होती है तो यहाँ पे एक प्रावधान है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 72, जो पार्ट 5 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो पार्डन दे सकें और भी जो सजा है उनसे माफी दे सकें, ठीक है, रिमिट कर सके, कम्यूट कर सके सेंटेंस को कुछ केसेस में। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मतलब जो मिलिट्री कोर्ट है उसकी बात नहीं हो रही, ये मिलिट्री कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। मिलिट्री कोर्ट ने जो सजा दे दी उसमें ये चीज़ें जो है एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होंगी। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो सजा देते हैं उसमें जो है यहाँ पे माफी मिल सकती है। अब यहाँ पे पार्डन होता क्या, तो सबसे पहले ये समझ लो पांच तरीके की जो है आपको यहाँ पे सजा से माफी देखने को मिलेगी, ठीक है, जो पांच तरीके के पार्डन जो है यहाँ पे दिए जा सकते हैं। सबसे पहला है पार्डन, मतलब टोटल पार्डन, पूरी तरीके से जो है यहाँ पे माफ कर देना। अंडर ट्रायल में भी जो है यहाँ पे माफी मिल सकती है, तो ये जो है टोटल पार्डन जो है यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लो कि होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पे जो है ये होता है, ठीक है ना, तो इसमें होम मिनिस्ट्री का भी जो है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कम्यूटेशन क्या होता है, तो पनिशमेंट जब दी जाती है तो समय पूरा सेम होता है, मतलब 10 साल की सजा हुई तो 10 साल जो है आपको यहाँ पे जो है रहना पड़ेगा जेल में। लेकिन नेचर चेंज हो जाएगा। अभी नेचर क्या होता है, मतलब समझ लो पहले पत्थर तोड़ने की सजा दी गई थी, तो अब समझ लो सजा कम कर दी जाएगी, मतलब कुछ और काम दे दिया जाएगा, ठीक है। सजा तो मतलब टाइम लिमिट वही रहेगी, लेकिन सिर्फ जो है यहाँ पे आपको जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक आता है रिमीशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ टाइम जो है रिड्यूस होगा लेकिन नेचर जो है सेम रहेगा, मतलब फांसी भलाई दे दी जाए, ठीक है, लेकिन नेचर जो सेम रहेगा, मतलब नेचर बिल्कुल सेम रहेगा। समय जो है यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, तो 10 साल से 5 साल। अब रिड्यूस का क्या मतलब है, रिड्यूस करके समय रिड्यूस होगा लेकिन समय चीज तो वही है ना, होगी तो फांसी ही। यहाँ पे एक आता है रिस्पाइट, तो रिस्पाइट क्या होता है, अगर कोई हेल्थ इश्यूज, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे जो है रिस्पाइट उनको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे आता है रिप्राइव, रिप्राइव करना मतलब, तो टेम्पररी स्टे, यही तो लगाया गया है अभी। देखो अब मान लो किसी को रिप्राइव दिया गया, ठीक है, मतलब कोई गया प्रेसिडेंट के पास मर्सी लेके, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 25 तारीख को डिसाइड हुआ कि यहाँ पे फांसी दी जाएगी। अब फांसी कब देना है, तो 10 तारीख को देना है, ठीक है, तो ये जो गैप है 25 से 10 के बीच का, यहाँ पे क्या करेंगे, ये पिटीशन लगा देंगे मर्सी के लिए, अप्लाई करेंगे कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट जो है अपना जवाब यहाँ पे देंगे। अब मान लो प्रेसिडेंट जो है कुछ समय के लिए मान लो बाहर है, कुछ काम से बाहर गए हैं, तो फिर कैसा होगा, तो यहाँ पे रिप्राइव कर दिया जाएगा, मतलब टेम्पररी स्टे जो है यहाँ पे लगा दिया जाएगा कि जब तक प्रेसिडेंट आएंगे उसके बाद जो है यहाँ पे डिसीजन दिया जाएगा। तो ये था इस वीडियो का एंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे इस केस के बारे में काफी कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ एमएम एकेडमी, टिल देन टेक केयर।